What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 18 फरवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:16 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। इस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस है। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार गिरावट प्रेशर हमें देखने को मिला, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट, उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो इसके मद्देनज़र थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में, और इसके बाद जो ग्लोबल मार्केट्स में वायरस के वजह से जो हालात है वो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 17 फरवरी आफ्टर मार्केट आर सी ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,157 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,090। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो पहले कुछ 15 मिनट में ही फर्स्ट टारगेट एग्जैक्ट अचीव्ड हुआ हमारा 12,073, और इसी के पास सपोर्ट लेके ये फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन एक फेज देखने को मिला, यहाँ पर फ्लैट पैटर्न देखने को मिला। और उसके बाद जैसे फिर से एक बार ब्रेकडाउन लेवल यहाँ से ब्रेक हुआ, तो फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद सेकेंड टारगेट भी 12,054 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो इसी लेवल के पास काफ़ी देर तक ये पेनेट्रेट कर रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो नासडेक और डाउ जोन्स हल्के से बढ़त के साथ बंद हुए। वही सेम हाल यूरोपियन मार्केट्स का भी रहा, हल्की सी बढ़त देखने को मिली। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, SGX निफ्टी और जापानीज इंडेक्स निक्केई लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। चाइना मार्केट भी देखे तो हल्की सी गिरावट इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 97 की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से प्रेशर भरे से संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलते निफ्टी की चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर ये जो बाउंस बैक आया था 50 EMA को सपोर्ट टेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पर ये स्विंग लो को पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो अभी ये फिलहाल 12,126 के यहाँ पर ये अटका हुआ, यानी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये जो लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, इसका हाई भी लास्ट वीक ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसको पेनेट्रेट जरूर किया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी फिर से यहाँ से ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये 11,930 के पास है अभी फिलहाल अराउंड। तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर सकते हैं और फिर हो सके तो बाउंस बैक दिखा सकता है। तो यहाँ पर अभी एज पर वीकली चार्ट ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन ये जो 2 वीक का ये अपसाइड बाउंस आया है उसके बाद करेक्शन आना भी लाजमी है। मार्केट हमेशा ये ऐसे पैटर्न में ट्रेड होता है, ये ऐसे अप एंड डाउंस। तो हायर आए हायर लोज बनते हैं, तो इसे अपसाइड मोमेंट आ सकता है इसमें, ऐसा कहा जा सकता है। तो अभी ये बाउंस बैक के बाद एक करेक्शन आ रहा है, हो सकता है 11,090 के पास ये सपोर्ट टेस्ट करे। तो ये एनालिसिस है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल वीकली चार्ट का सिनारियो हमें बुलिश ट्रेंड बता रहा है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर 20 और 50 EMA जो है, ये 20 और 50 EMA जो है, कल इसी के पास काफ़ी देर तक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, हालांकि लास्ट में इसके जस्ट नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर ये मूव और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है ये यहाँ पर, तो हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्रू नेक्स्ट लेवल 12,005 के पास यहाँ पर सपोर्ट है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अभी लास्ट स्विंग लो भी इसी के पास बना था, और यहाँ पर ऊपर से नीचे आते वक्त ये परसों के दिन यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट किया था, यहाँ पर एक लो बनाया था और इसके नीचे आया है कल। तो अभी और नीचे की तरफ मूव आता है तो 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, उसके पास एक सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो नीचे 50% का 11,930 के पास आ रहा है।
हमने वीकली चार्ट में अभी देखा 20 EMA का जो पिंक लाइन था वो 11,930 के पास आ रहा था, तो 12,000 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का 11,930 का लेवल होगा सपोर्ट के लिए। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है, 20 और 50 EMA के ऊपर सस्टेन करता है, इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ही अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। फिलहाल तीन बेयरिश कैंडलस्टिक के बाद हो सकता है एक रिकवरी आए, लेकिन अभी 12,005 ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ये अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। तो ये था डेली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पास्ट में ये जो गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये कल ये फिर से एक बार फील हो चुका है। तो अभी निफ्टी इंडेक्स अगर फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है, जैसे कि अभी एशियाई बाजार देख रहे हैं हम निगेटिव ओपनिंग के साथ ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, इस लेवल के पास जब ये फॉल आया था तभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ पर ये अटक रहा था और दूसरे दिन सडन यहाँ पर ये गैप अप ओपन हो गया। तो इस लेवल को अगर आज ब्रेक करता है निफ्टी कंफर्टेबली, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा आज के लिए हो सकता है ब्रेक डाउन लेवल, तो यहाँ पर इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेक डाउन लेवल, ठीक है। ये हो सकता है हमारा ब्रेक डाउन लेवल और फर्स्ट टारगेट तभी हमारा हो सकता है अराउंड, हमारा फर्स्ट टारगेट अराउंड हो सकता है 12,008, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा 11,977, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो S1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 12,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसके नीचे चला जाता है सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए तभी शॉर्ट पोजीशन बनाए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,977। गैप डाउन ओपन होता है तो 12,000 के नीचे सस्टेन होने दीजिए, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ ये अगर मूव करता है तो पिवट पॉइंट का फर्स्ट हर्डल है, रेजिस्टेंस है, तो पिवट पॉइंट के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है यानी 12,080 के ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको हम बना देते हैं आज के लिए ब्रेकआउट लेवल, मार्क कर देते एज अ ब्रेकआउट लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 100 EMA का ग्रे लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था इसका ऊपर का अपर लेवल था 12,098 के पास और अभी 100 EMA भी फिलहाल उसी के लेवल के पास आ रहा है। तो 12,098 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि 20 EMA की लाइन है 12,111, यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।